टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। टीम ने इस सीरीज को लेकर पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए टीम का स्क्वाड अनाउंसमेंट भी कर दिया है। टीम ने इस सीरीज के पहले 2 मैचों के लिए विकेट कीपर के तौर पर यंग ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल किया है। 22 साल के इस युवा खिलाड़ी ने अपने खेल से सभी को प्रभावित किया है और यही वजह है कि टीम ने इस युवा स्टार को टीम में शामिल किया है। आपको बता दे, ध्रुव के टीम में शामिल होने के बाद उनके चाहने वालों ने बधाइयां भी दी। ध्रुव जुरेल को उनकी आईपीएल टीम के कोच कुमार संगकारा ने भी बधाई दी है। संगकारा ने जुरेल को लेकर कहा कि इस खिलाड़ी में बहुत ही प्रतिभा है, साथ ही साथ प्रेशर में खेलने की काबिलियत भी है। संगकारा के बाद राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी ने भी ध्रुव जुरेल को बधाई दी, लेकिन इनके बधाई देने पर फैंस ने इन्हीं की जमकर क्लास लगा दी। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी रियान पराग ने ध्रुव जुरेल के सिलेक्शन पर ट्वीट किया और पराग ने अपने तरीके से एक संदेश जारी कर ध्रुव जुरेल को बधाई दी, लेकिन फैंस को पराग का ये ट्वीट अच्छा नहीं लगा और रियान पराग की जमकर क्लास लगा दी। किसी ने कहा कि तुम वही के वही रहे, साथ के खिलाड़ी आगे बढ़ गए। ट्विटर पर फैंस ने रियान पराग को ट्रोल कर दिया है। रियान पराग को लेकर फैंस की नाराजगी भी दिखी। रियान पराग को लेकर बार बार प्रतिक्रिया आती है कि उनके प्रदर्शन के बाद भी उनको नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि रियान पराग का प्रदर्शन उस लिहाज से नहीं रहता। रियान पराग राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत सालों से खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से प्रभावित नहीं किया है। पराग ने 54 मैचों में 16.22 की औसत से मात्र 600 रन ही बनाए हैं और 54 मैचों में उनके नाम केवल 2 अर्धशतक हैं। अगर ध्रुव जुरेल की बात करें तो इस यंग खिलाड़ी ने अपने खेल से सभी को प्रभावित किया है। ध्रुव जुरेल उस टीम का हिस्सा भी हैं जो 17 जनवरी से इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ भी खेलेगी। उनको इमर्जिंग एशिया कप के लिए टीम इंडिया में चुना भी गया था और फिर भारत ए टीम के साथ साउथ अफ्रीका का टूर किया था। जुरेल ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ 4 दिवसीय फर्स्ट क्लास मैच में भारत ए के लिए अर्धशतक बनाया था। ध्रुव जुरेल ने आईपीएल 2023 में राजस्थान रॉयल्स के लिए डेब्यू किया था। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए 22 की औसत और 173 की स्ट्राइक रेट से 152 रन बनाकर सुर्खियां बटोरी थी। वहीं 22 साल के जुरेल ने फर्स्ट क्लास मैचों में 790 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने लिस्ट ए के 10 मैचों में 179 रन बनाए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस यंग स्टार खिलाड़ी को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट प्लेइंग 11 में शामिल किया जाता है या नहीं।